जय हिंद। आज हम अपने सुभारती के पॉडकास्ट में बात करेंगे जिडियाट्रिक मेंटल हेल्थ के बारे में। फॉर दिस वी हैव डॉक्टर रितिका विद अस, हु इज अ कंसल्टेंट इन सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ सुभारती मेडिकल कॉलेज। डॉक्टर रितिका, अपने बारे में बताइए। जय हिंद मैम, मैं डॉक्टर रितिका सिंह, मैं सुभारती मेडिकल कॉलेज में सीनियर रेजिडेंट के पोस्ट पे हूँ। इससे पहले मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अल्मोड़ा उत्तराखंड में थी, तो वहाँ से यहाँ का एक नया ही एक्सपीरियंस है। इंडो पेशेंट्स और बहुत ज़्यादा पेशेंट लोड देखने को मिल रहा है, तो उससे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। डॉक्टर रितिका, एज वी विल बी टॉकिंग अबाउट जिडियाट्रिक मेंटल हेल्थ टुडे, सो कैन यू टेल मी योर एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। आई हैव अटेंडेड एस वर्कशॉप जो कि 2019 में एक नेशनल लेवल की वर्कशॉप थी, तो इट वॉज जस्ट नॉट अ वर्कशॉप, इट वॉज ऑल्सो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। वी वर गिवन पेशेंट्स टू टॉक टू एंड इंटरेक्ट विद। तब मैं पीजी रेजिडेंट थी उस टाइम पे। उसके अलावा रोज़मर्रा के उसमें जो पेशेंट आते हैं उनसे इंटरेक्शन होता है, इंडो पेशेंट से इंटरेक्शन होता है, एंड वट गिव्स अस द सेटिस्फेक्शन इज व्हेन दे इम्प्रूव। सो दिस इज़ हाउ वी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ जो एल्डरली पीपल में होती है जेरियाट्रिक साइकियाट्री के वाया। हाउ डिड यू फाइंड योर इंक्लिनेशन टूवर्ड्स जेरियाट्रिक मेंटल हेल्थ? द कंसेप्ट ऑफ एजिंग, जिसको हम बोलते हैं कि आज के दौर पे बिकॉज ऑफ एडवांसमेंट जो हो चुका है लाइफस्टाइल में और जो ट्रीटमेंट मॉडिफिकेशंस आ गए हैं, तो एक एल्डरली पॉपुलेशन का बहुत बड़ा मास बढ़ गया है। तो वो मास, जैसे जैसे एजिंग का मास बढ़ रहा है, उनमें फिजिकल साइकियाट्रिक इलनेसेस दोनों ही बढ़ रही हैं, तो उनको एड्रेस करना जिससे कि एक प्रॉपर क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड किया जाए, डिग्निफाइड लाइफ प्रोवाइड की जाए, मेरे को दिमाग में ये आया और इसकी वजह से मुझे जेरियाट्रिक हेल्थ की तरफ इंक्लिनेशन हुआ। सो हमें पहले ये बताइए कि व्हाई दिस ब्रांच नीड्स टू बी डिवाइडेड इनटू जेरियाट्रिक मेंटल हेल्थ, व्हाई नॉट नॉर्मली मेंटल हेल्थ ऑफ एडल्ट्स और कुछ? क्या ऐसा होता है कि कुछ अलग तरीके की हमें सेंसिटिविटी चाहिए होती है या अलग तरीके से अप्रोच चाहिए होती है, व्हाट इज इट? जी मैम, जेरियाट्रिक मेंटल हेल्थ की अगर हम बात करें तो लक्षण आपको थोड़े थोड़े मिलेंगे कि जो और मानसिक बीमारियों में होते हैं, लेकिन सिंस एक एज का कंसेप्ट आ जाता है तो उसमें एक मल्टीडिसिप्लिनरी टीम चाहिए होती है ट्रीटमेंट के लिए, जिसमें एक साइकाइट्रिस्ट जो जेरियाट्रिक फील्ड में स्पेशलाइज तो हुई, उसके अलावा एक जनरल फिजिशियन, नर्सिंग स्टाफ, सोशल केयर वर्कर्स एंड फैमिली का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम सिर्फ जैसे नॉर्मल पेशेंट ट्रीट करते हैं वैसे नहीं कर सकते, उनके साथ थोड़ा सा ज़्यादा प्यार से पेश आना होता है, दवाइयाँ देने से पहले सोचना पड़ता है, थेरेपी या कुछ और सेंसिटाइजेशन देने से पहले सोचना पड़ता है। एंड द पर्टिकुलर रीजन बिहाइंड दैट एजिंग, उसके बेसिस पे जो भी फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखें तो एजिंग जनरली एक बायोलॉजिकली नॉर्मल थिंग है, जिसमें हमारा मॉलिकुलर या डीएनए लेवल पे टेलोमेरेज शॉर्टनिंग या ये सब चीज़ें होती हैं। और साइकोलॉजिकली चेंजेस देखें तो कॉग्निटिव डिक्लाइन हो गया, एक सोसाइटल रोल बदलता है हमारा, एक इंसान जो पहले फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग था वो रिटायर हो रहा है, उस पर फाइनेंशियली वो अब उतना सपोर्टिव नहीं है जितना पहले था, तो उसकी साइकी चेंज होती है, उसका सोशल रोल, इन द सेंस कि उसके साथ के बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनकी डेथ हो चुकी है, वो एक स्पाउस लॉस की एक जो फैक्टर होता है वो आ जाता है। थर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अबेंडनमेंट का एक फैक्टर आता है। बहुत बार आज के समाज में हम देखते हैं कि माँ बाप अकेले पड़ जाते हैं, घर का जो बुजुर्ग है वो अकेला पड़ रहा है, तो ये सब चीज़ें ध्यान में रख के उनकी ट्रीटमेंट की ओर हमें सोचना चाहिए। जैसे अभी आपने ये पॉइंट्स बताए कि वॉट कुड बी द फैक्टर्स बिहाइंड जेरियाट्रिक मेंटल हेल्थ के खराब होने का, बट एज अभी जितना हमारा सिविलाइजेशन इंक्रीज हो रही है, जितना पीपल आर मूविंग टू द मेट्रो सिटीज फॉर वर्क एंड एवरीथिंग, उससे क्या इसका फैक्टर इंक्रीज हो रहा है? यस मैम, पहले क्या होता था कि एक जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, कि परिवार में चलो जो दादा दादी हैं उनकी देखभाल करने के लिए घर का बेटा भी है पोता भी है, अब बेटे की फैमिली अलग हो गई है, उसके पोते की फैमिली अलग हो गई है, तो बहुत सारे गाँव में आप देखेंगे जहाँ सिर्फ दो बुज़ुर्ग रहते हैं, उनके साथ कोई नहीं होता, उनको दो वक्त की रोटी मिलना भी मुश्किल होता है, तो ये सारी चीज़ें एक लोनलीनेस का फैक्टर लेके आती हैं। अगर कोई फिजिकल इलनेस है उसके बढ़ने की भी लक्षण देखे जाते हैं इन सब चीज़ों की वजह से। बट इन द एंड जैसे हमें पता है कि फैमिली चलाने के लिए या वो करने के लिए एवरीवन हैज़ टू मूव अहेड इन लाइफ, तो क्या इसमें हमें कुछ अडेप्टेशन स्टार्ट करनी चाहिए एट द अर्ली एज, या फिर इट वुड बी लाइक कि कहीं ना कहीं बच्चों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है इस चीज़ की? नहीं नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है कि एक हेल्दी एजिंग भी एक फैक्टर होता है। हमने ऐसे भी लोग देखे हैं जो 80 या 90 साल की उम्र में भी बहुत मेंटली या फिजिकली एजाइल हैं, फिट हैं,
ठीक, तो उसके लिए एक प्रॉपर डाइट एंड न्यूट्रिशन, स्पेशली B12 और D3 की कमी देखने को मिलती है हम जो भी बुज़ुर्ग लोग होते हैं, वो देखा जाए, एक स्टेबल यू नो मेडिकल चेकअप जो जन हो पाए, और अगर डेमोग्राफिकली या फिजिकली पॉसिबल नहीं है, वी ऑल्सो हैव टेली हेल्थ सर्विसेज, वी हैव कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स, और बहुत सारी ऐसी संस्थाएँ हैं जैसे हेल्पेज इंडिया है या जेरी केयर करके एक और संस्था का नाम है, ये सारी चीज़ें भी हेल्प करती हैं। इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्री हेल्पलाइन नंबर भी है, आई थिंक 14567 इस तरीके का एक नंबर है, जो कि सुबह 8 से शाम 8 बजे तक ऑपरेटेड रहता है। इसके वाया भी जो सीनियर सिटीजन है, टोल फ्री फ्री हेल्प आपको प्रोवाइड होती है। वट अदर मेजर्स कैन अ फैमिली टेक, कि जैसे बहुत जगह पे है, जैसे मेरे खुद की फैमिली में, मी एंड माई हस्बैंड स्टेज हेयर एंड माई फैमिली इज इन एट सम अदर प्लेस, सो वट एज अ children of the family, a measure should be taken by the children कि उनके parents towards geriatric depression ना जाए। एक तो proper communication maintain हो, ठीक है आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि obviously घर चलाने के लिए किसी को तो बाहर जाना ही पड़ेगा, अब वहाँ पर बैठ के अगर proper job opportunities नहीं मिल रही हैं, proper earning नहीं हो रही तो बाहर आएगा, लेकिन अगर हम बाहर भी हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि एक proper communication है, और एल्डरलीज भी इस बात का ध्यान रखें कि वो थोड़ा फिजिकली या मेंटली एक्टिव रहें। मेंटल एक्टिवेशन का मतलब छोटी छोटी चीज़ें करना, घर में बैठ के मटर छीलना भी बहुत बड़ी बात है, एक लूडो का गेम खेल लेना, कोई पजल सॉल्व कर लेना, जिससे कि हम अपने आप को इंगेज रखें। सोशल सपोर्ट ग्रुप्स, अपने जो एज के ग्रुप्स होते हैं उनके साथ इंगेज रहें, ये सब चीज़ें भी आपको एक हेल्दी एजिंग की तरफ प्रमोट करती हैं। सो अभी हमने बाकी सब तो डिस्कस कर लिया, पर इसमें सिम्टम्स कैसे दिखते हैं? जैसे कई लोग तो इस चीज़ को रिकग्नाइज ही नहीं कर पाते हैं दैट दे आर इनटू समथिंग रिलेटेड टू मेंटल डिप्रेशन या मेंटल डिस्टर्बेंस, सो व्हाट वुड बी द सिम्टम्स ऑन जीडियाट्रिक एज ग्रुप? सो मैम, पहले हम जीडियाट्रिक एज ग्रुप की अगर मेंटल इलनेस की बात करें तो वील फोकस ऑन 3 Ds, डिप्रेशन, डिमेंशिया एंड डिलीरियम। सो डिप्रेशन के लक्षण बिल्कुल जो जैसे हम लोग डिप्रेशन जो एकदम टिपिकल होता है, वैसे अगर नहीं भी हुए तो आपको एक मन हल्का बहुत उदास रहना, किसी चीज़ को करने का मन ही नहीं करना, सोशल इंगेजमेंट ही नहीं रखना, नींद बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है, स्वभाव चिड़चिड़ापन भी आ जाता है। तो ये सारे लक्षण, जैसे जो काम पहले उमंग से कर रहा था इंसान वो नहीं कर पा रहा है, तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाए। इसके साथ साथ बहुत बार अभी रीसेंट सर्वे में ये देखा गया था कि एल्डरली में सुसाइड अटेम्प्ट ड्यू टू डिप्रेशन बढ़ रहा है, तो ये सारी चीज़ों पे भी ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी चीज़ मैंने बोला था कि डिमेंशिया, डिमेंशिया एक एजिंग का वो प्रॉब्लम है जिसमें जो न्यूरोकॉग्निटिव डिक्लाइन होता है, मेमोरी का और कंसंट्रेशन का, लर्निंग एबिलिटीज़ का, ये सब चीज़ों में बहुत जल्दी डिक्रीज देखने को मिलता है। तो अगर बुज़ुर्ग छोटी छोटी चीज़ें भूलना शुरू कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि आज के आज ही शुरू हो जाएगा, वो हो जा लगेगा आपको 4-5 साल पहले और फिर आपको आज पता चलेगा, तब तक देर हो जाती है। जब भी आपको ऐसा लगने लगे कि आपके जो बुज़ुर्ग हैं वो रास्ता भूल गए चलो आज, तो उसको हल्के में मत लीजिए, मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ इसको, अगर ऐसा बोल रहे हैं, अपनी चीज़ें रख के भूल जा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देना है। इसके लिए जैसे मैंने पहले बोला कि छोटी मोटी मेंटल कॉग्निशन की एक्टिविटीज़ करते रहनी चाहिए। तीसरा मैंने बोला डिलीरियम, डिलीरियम थोड़ा सा एक्टिव मैनेजमेंट डिमांड करता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वो फिजिकल या ऑर्गेनिक कॉज के साथ एसोसिएटेड होता है। ज़्यादातर हॉस्पिटलाइज इंडिविजुअल हो गए या पोस्ट सर्जरी हो गया या कोई मेडिकल इलनेस हो गई, UTI जैसे कि फीमेल्स में बहुत कॉमन देखने को मिलता है एल्डरली फीमेल्स में, तो उसकी वजह से अक्यूट कन्फ्यूजन, डिसऑरियंटेशन, विजुअल या ऑडिटरी हेलुसिनेशन, ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसमें मेडिकल और साइकेट्रिक टीम दोनों को साथ मिलकर काम करना पड़ता है। कई बार ये भी देखा गया है कि कई पेरेंट्स मानने को ही नहीं तैयार होते हैं कि उनको ओल्ड एज में डिप्रेशन हो रही है। जीडियाट्रिक मेंटल इलनेस इज ओल्ड एज में डिप्रेशन होना अकेलेपन के कारण, पर वो क्योंकि पुराने ज़माने में जिस जनरेशन से वो आए हैं उस टाइम पे मेंटल इलनेस या साइकेट्रिस्ट के पास जाना इज़ नॉट समथिंग जिसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता था, तो वो अभी भी उसी धारणाओं पे चल रहे हैं। उनको ये विश्वास दिलाना कि आपको हेल्प की ज़रूरत है या हम चलते हैं, वो बहुत मुश्किल है। सो व्हाट शुड बी डन एट दैट टाइम? ठीक है, आपने सही बोला कि मेंटल हेल्थ से जो स्टिग्मा जुड़ा हुआ है, जो टैबू जुड़ा हुआ है, वो अभी भी प्रिवेलेंट है, प्लस खासकर कि ओल्ड जनरेशन में, क्योंकि तब तो इतना कुछ मेंटल हेल्थ को लेके बात ही नहीं होती थी।
ऐसे में एक तो बहुत प्यार से समझाना ज़रूरी है। बहुत बार हम जो जनरल फिजिशियंस हैं उनकी हेल्प ले सकते हैं कि वो उनको समझाएं कि बाबा ये इस तरीके की दिक्कत हो रही है। बहुत बार ऐसा होता है कि वो डॉक्टर की बात सुन लेते हैं, माँ बाप बच्चों की बात ना भी सुने तो चलो डॉक्टर की बात मान लेते हैं। उनको ये समझाना कि ये आपकी मेमोरी के लिए है, रेदर देन ये कहना कि आपको मानसिक बीमारी हो गई, क्योंकि किसी को भी बोले तो बुरा लगेगा, वो नहीं मानेंगे। अभी तक जो इंसान घर का पूरा ख्याल रख रहा था, अचानक उसको ये बोला जाए कि अरे नहीं आप तो मानसिक रूप से सही नहीं है, स्वस्थ नहीं है, या आमतौर पर बोल दे पागल हो गया, तो वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होता है। तो एक बहुत ही, जैसे पहले बोला कि मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच, कि आप भी सपोर्ट लें, फिजिशियन का भी सपोर्ट लें, साइकाइट्रिस्ट का भी दें, और जो भी आपका सोशल वर्कर्स हैं, फैमिली थेरेपीज और ये सब चीज़ों का रोल देखा जाएगा इसमें। क्या ऐसा भी है, कोई ऐसे ग्रुप्स भी चलते हैं जो रैंडमली, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से या अदरवाइज एनजीओस की तरफ से, कि जो रैंडमली जो एल्डरली लोग अकेले रह रहे हैं उनके घर पर विजिट करके इसको एनालाइज करें, इस सिचुएशन को? रैंडमली तो एज सच अभी उतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन जैसे बहुत सारी गवर्नमेंट संस्थाएं हैं, एनजीओज हैं, उनकी हेल्प ली जाए। अगर कोई भी, आप नहीं भी जा पाए तो आसपास से कोई इंसान अगर उनको इन्फॉर्म भी कर दे तो वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते रखते हैं। व्हाट शुड बी द ट्रीटमेंट लाइन? मीन्स डेफिनेटली नॉट, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड कि एक साइकेट्रिस्ट क्या ट्रीटमेंट देता है, बट एक अप्रोच टू द केस, या फिर जैसे हम साइकेट्रिस्ट के पास ले भी गए उसके बाद दवाइयाँ खिलाने के लिए वो करना, क्योंकि डेफिनेटली जितना मुझे पता है कि ये जो जितनी भी मेडिसिन होती है उसमें डेफिनेटली एक स्लीप फैक्टर आ जाता है, थोड़ा स्लोइंग डाउन ऑफ लाइफ का फैक्टर आ जाता है, उस सबको कैसे एक्सेप्ट करवाना चाहिए? देखिए, मेडिकेशन स्टार्ट करने से पहले थॉरो इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट को बीमारी क्या है और साथ साथ कोई कोमॉर्बिड फिजिकल इलनेस तो नहीं चल रही है। एल्डरलीज में फार्माकोकाइनेटिक्स बॉडी की, फार्माकोडायनेमिक्स बॉडी की पूरी बदल जाती है, तो उसकी वजह से हमको डोज स्लो और धीरे धीरे, यू नो, स्टार्ट लो गो स्लो वाला जो प्रोसेस होता है वो फॉलो करना पड़ता है। एकदम कम डोज से शुरू करें, ये ध्यान पे रखें किसी और ड्रग से इंटरेक्ट तो नहीं कर रहा है, डोज इतना रखें कि पेशेंट काम डाउन हो लेकिन डिजी ना हो, क्योंकि डिजी होगा हाथ पैर टूटेंगे तो और दिक्कत आएगी। बहुत बार ऐसा होता है पेशेंट्स के साथ, दे स्टॉप टेकिंग द मेडिसिन, दे स्टॉप टेकिंग द मेडिकेशन। सो दिस आर ऑल द फैक्टर्स की ध्यान रखा जाए, कोशिश की जाए कि लो डोज रात के टाइम पे अगर दे सके पेशेंट को, और कोई अगर ऐसी दवाई है जिससे कि एक्टिव होता है तो वो मॉर्निंग के टाइम पे दे सके, प्रॉपर डाइट का ध्यान रखा जाए, दवाइयों के साथ ड्रग इंटरेक्शन का ध्यान रखा जाए, फैमिली को बताया जाए साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, उस पर ध्यान दिया जाए। अगर पेशेंट खुद समझने की स्थिति में थोड़ा बहुत है तो वो खुद अगर दवाई लेता है मरीज़, तो ज़्यादा फॉलोअप करता है, रेदर देन उसे ज़बरदस्ती खिला जाए, कन्विंस किया जाए खुद से दवाई ले, तो ये सारी चीज़ें अगर ध्यान दे तो इट वुड बी अ बेटर आउटकम। सो कुछ ऑनलाइन सोशल ग्रुप्स भी हैं क्या इस चीज़ के? जैसे कई लोग नहीं आना पसंद करते, या फिर बिल्कुल गांव में सोशल ग्रुप्स डेफिनेटली कम होंगे, तो क्या ऑनलाइन ग्रुप्स भी हैं ऐसे कुछ? टेलीसाइकाइट्री एक नई ब्रांच चल रही है जिसमें आप ऑनलाइन के, मतलब जो माध्यम है इसके माध्यम से आप लोग दूर दराज के हिस्सों में पहुंच सकते हैं। कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम है जिसमें जो हमारे जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो जाके इवैल्यूएट कर सकता है। इनफैक्ट जो दूरदर्शी डिस्ट्रिक्ट हैं या वहाँ पर हैं, डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है, वहाँ पर ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं है कि साइकाइट्रिस्ट ही जाएँ, MBBS लेवल के बंदे भी निमहांस के द्वारा ऐसे प्रोग्राम्स हैं जहाँ पर 6 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है, आपके जो सोशल साइकेट्रिक सोशल वर्कर्स हैं ये लोग जाके भी इवेल्युएट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि ये परेशानी है। थोड़ा बहुत जो कैंप्स लगते हैं, आउटरीच कैंप लगते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसके माध्यम से भी कि एक किसी कोने को पकड़ लीजिए, वहाँ जाके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिकेशन, इवेल्युएशन ऑफ पेशेंट, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, अगर पेशेंट थोड़ा भी सही होता है, फ़र्क होता है, तो वो आता है, ये देखने को मिला है। अवेयरनेस का क्या स्टेटस है डॉक्टर साहब इस टाइम? क्योंकि जितनी भी मेंटल हेल्थ है मुझे लगता है अगर उसके लिए अवेयरनेस इंक्रीज हो जाए तो दैट इज़ समथिंग दैट कैन हेल्प एवरी पेशेंट अलॉट, बट जितना मैं अभी तक कम अक्रॉस हुई हूँ इट इज़ स्टिल नॉट दैट मच एविडेंट कि इतनी अवेयरनेस आज के लोगों में भी है अबाउट मेंटल हेल्थ। एक बार के लिए जो मेंटल हेल्थ टॉपिक है उसके बारे में तो लोग फिर भी सोच रहे हैं, लेकिन जो जेरियाट्रिक मेंटल हेल्थ है उसकी अवेयरनेस अभी भी नहीं है। तो उसके लिए पहले जो जेरियाट्रिक से पहले हम उस पॉपुलेशन को टारगेट करें जो कि उनका ध्यान रखते हैं, जो कि पहचान पाएँ कि इनको ये बीमारी हो सकती है। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम की बात करें या डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम की बात करें, उनके वाया आउटरीच कैंप्स और जो ये हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं, हम स्कूल लेवल पे, हम ताकुला लेवल पे ये प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करा सकते हैं, जिससे कि
लोगों के बीच में ये पता चल पाए कि कोई ऐसे बीमार हैं या नहीं है। कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स जो होते हैं हमारे या CHOs जो हो रहे हैं उनको ट्रेनिंग दी जाए या उनको समझाया जाए कि साइकेट्रिक इलनेस में क्या क्या लक्षण होते हैं, तो वो लोग भी खुद जाके लोगों को पहचान सकते हैं कि हाँ ये बीमारी मानसिक रोग से रिलेटेड है, इसमें ये चीज़ें करने की ज़रूरत है। जैसे आपने कुछ सिम्टम्स बताए थे मुझे कि ये सिम्टम्स होते हैं, क्या इसके अलावा भी कुछ सिम्टम्स होते हैं कि ये पर्टिकुलर ये ही है कि इंसान मेनली यही चीज़ कंप्लेंट करता है? नहीं नहीं, देखिए डिप्रेशन, डिमेंशिया और ये तो मैंने आपको बताया, इसके अलावा भी और लक्षण हैं। घबराहट, बेचैनी अपने आप में एल्डरलीज को, ज़रूरी नहीं है कि वो घबराहट बेचैनी मानसिक बीमारी की वजह से ही हो, बहुत बार आपका कोई क्रॉनिक फिजिकल इलनेस है उसकी वजह से भी इंसान बहुत परेशान हो जाता है कि अब मेरे आगे क्या होगा। कितनी बार सिर्फ जोड़ों के दर्द से इंसान इस रूप से परेशान हो जाता है कि मैं अब किसी लायक का नहीं बचाऊँ, तो अब दिल की धड़कन बढ़ना, हाथ पैरों में कंपन होना, एक कांस्टेंट वरी रहना, बहुत बार साइकोटिक सिम्टम या बिहेवियरल चेंजेस की बहुत जल्दी एजिटेट हो जाता है, छोटी छोटी बातों में गुस्सा करने लगेगा, शक करने लगेगा कि इन्होंने मेरा सामान छुपा दिया है, कोई मेरे को कुछ बोल रहा है। सब्सटेंस यूज़ एल्डरलीज में ये भी बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। दो कारण होते हैं, एक तो लोनलीनेस जो होती है, जो मैंने बोला कि अकेला पड़ गया इंसान ले लेता है, जो कि बहुत बड़ा मिथ है कि इससे शराब से या फिर किसी और नशे से लोनलीनेस कम होगी। दूसरा कि अगर क्रॉनिकली पीता जा रहा है तो अभी छोड़ना उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कैसे लेना है, नशा कर रहा है तो समझ में नहीं आ रहा कि अब आगे क्या करना है, तो ये सारी चीज़ें भी बहुत प्रॉबलेंट है एल्डरलीज में। और उसका ट्रीटमेंट के लिए तो मतलब अगेन जैसे मैंने बोला कि एक मल्टीपल डिसिप्लिनरी अफेक्ट चाहिए ही चाहिए। ओके, सो डॉक्टर साहब अभी शुभार्थी में इसको लेके क्या मेजर्स हो रहे हैं सच? वी हैव क्या बोलते हैं इवनिंग स्पेशलिटी क्लिनिक जिसमें जेडियाट्रिक पेशेंट्स देखते हैं, इनफैक्ट हमारे पास वार्ड में भी पेशेंट एडमिटेड रहते हैं। यहाँ पे भी हमारा इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन मेंटेन रहता है कि अगर कोई फिजिकल सिम्टम्स हैं या कोई ऑर्थोपेडिक सिम्टम्स हैं उसका भी इवेल्युएशन हो, और साथ साथ हम साइकाइट्रिक ट्रीटमेंट देते रहें। इसके अलावा वी हैव अवर साइकोलॉजिस्ट और थेरेपिस्ट जो उनकी काउंसलिंग करते हैं। वी मेक श्योर कि फैमिली जो या फिर जो केयर गिवर है उसको भी इन्वॉल्व करें थेरेपी के सेशन में, जिससे कि वो घर जाके पेशेंट को कैसे ट्रीट करना है इस चीज़ का ध्यान रख सके। सो अकॉर्डिंग टू मी एज मच आई कुड हैव अंडरस्टूड कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अभी शायद अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज करने की ज़रूरत है इन कंप्लीट फैमिली, बी इट आज की जनरेशन, बी इट जो जनरेशन इससे जूझ रही है ऑलरेडी। और यही कि सपोर्ट ग्रुप्स आर में प्लेस द मेन रोल कि जो उनको इस चीज़ से उभरने में मदद करे। साइकियाट्रिस्ट का जितना रोल है उतना ही रोल आपका क्या बोलते हैं फैमिली या केयर गिवर का है, उतना ही रोल उनका सोशल ग्रुप्स का है, उतना ही रोल उनका जो कहीं भी वो अगर सोसाइटी में इंगेज्ड हो रहे हैं, किसी क्लब में जा रहे हैं, मतलब अपना एल्डरली क्लब है या कोई उनका योगा का ग्रुप है या वो है, उनका भी उतना ही रोल है कि हाँ यस दिस थिंग डेफिनेटली हेल्प्स। थैंक यू सो मच डॉक्टर रितिका फॉर पुटिंग अ लाइट ऑन दिस टॉपिक, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ये टॉपिक ऐसा है जो शायद हम मेंटल हेल्थ पे अभी बच्चों की मेंटल हेल्थ पे या मिडिल एज की मेंटल हेल्थ पे तो बहुत ध्यान दे रहे हैं, बट ओल्ड एज वाले लोग थोड़ा निग्लेक्ट हो रहे हैं अभी फॉर द टाइम बीइंग। होप सो इसकी अवेयरनेस बढ़े। बिल्कुल। सो एज टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट जेरियाट्रिक मेंटल हेल्थ, मींस ओल्ड एज में जो मेंटल हेल्थ के इश्यूज आते हैं। सो इन शुभार्थी यहाँ पे एक इवनिंग क्लिनिक चलता है जिसमें कि मेंटल हेल्थ के लोगों को देखा जाता है, एंड साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो गेट्स इन्वॉल्व इन इट, एंड मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच चलती है। सो अगर आपको कभी भी लगता है कि आपके किसी भी एल्डरली को ऐसी मेंटल हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं तो या तो अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में या आप शुभार्थी में संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद।